अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, शुक्र अल्लाह का। सब के दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे हमारे रोजे जा रहे हैं। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे व्लॉग्स देखने को मिले। बैल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के रोजे में तो बहुत ही जबरदस्त सब कुछ होने वाला है, आपको पता है। आज हमारी मेहंदी वाली भी आने वाली है, कोमल आपी और मैं मेहंदी लगवाएंगे सुबह, और उसके बाद हम रोज़ा वगैरह खोलेंगे और फिर हम एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज रखने वाले हैं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सहरी की तैयारी करने, आप ही अपना सूट सी रही हैं। भजने मशीन रोक रखी है अपनी बेचारी, टीम की आवाज ना आए, आवाज के चक्कर माशाल्लाह में ठीक तो लो शकीला मानो। और पहले हम अपनी ग्रीन टी पियेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन टी आप ही की है, कोई आप ही का सीक्रेट है, बनवाती रोज़ और हम दोनों पीते हैं, क्योंकि डाइट का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ानों में काफ़ी ऑयली चीज़ें हम लोग खा लेते हैं तो वज़न बढ़ ही जाता है। और जब कोमल अभी बनाती है इतने मज़े मज़े की चीज़ें तो कंट्रोल कैसे करें बंदा, बताएं ज़रा। तो बस अब हम जल्दी से ग्रीन टी पीते हैं और जाके सहरी की तैयारी करते हैं, फिर आगे की सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ आज मैं सेक रही हूँ शामी कबाब, मैं सेक रही हूँ क्योंकि आज कोमल आपी जो है अपना सूट पूरा करने में लगी हुई है। और गाइज हमारे यहाँ पूरे रमज़ान आपको शामी कबाब मिलेंगे, क्योंकि मैं बिना शामी कबाब के मेरे हलक से निवाला नहीं उतरता। तो हम पूरे रमज़ान ऐसे अपने फ्रीजर में स्टोर करके रख लेते हैं बना के, फिर बस इन्हें सहरी के टाइम पर सेक लेते हैं। सहरी के टाइम पर जिस भी टाइम हमें खाने हैं उस टाइम हम इन्हें सेक लेते हैं, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो एडवांस में और बन के रख जाएंगे। पर शामी कबाब ख़त्म नहीं होंगे पूरी सहरी, पूरे रमज़ान हमारे घर में, ये हमारा बचपन से, हम अपने पापा के टाइम से बहुत शामी कबाब मतलब फेवरेट है। हमारे अब्बू भी खाते थे, हम सब भी खाते हैं, सारे बहन भाई, हम सब बहन भाइयों के हलक में बिना कबाब के रोटी नहीं उतरती। कुछ मिले ना मिले शामी कबाब मिले, स्पेशली मुझे सुभान को, बिलाल भाई को। तो कोमल आपी ने मेरी वजह से पहले ही भर के शामी कबाब जो है वो रख लिए थे, तो मैं इन्हें सेक कर रही हूँ। आज बनाया अपने लिए एग अलग से। गाइस मैं अपनी रोज प्लेट अलग बनाती हूँ, ये मुझे कांदू कहते सब लोग। हाँ, तो ये नहीं, जब हम प्लेट पर होते हैं ना मेरे साथ ही खाती है, लेकिन अब तो इन्हें यहाँ के दरवाजे लग गए। हमारा सहरी का दस्तरखान लग चुका है, ये बैठ गए इनायत, अमानत, अलीना, ये मैं। आज मैं खाऊंगी अंडा और कबाब। ये मेरे आगे ये लगा दिए, ये इसका डिजाइन है ना मार्केट वाला। मार्केट में बचपन में अपने खिलौने से जाती थी ऐसे करके। ये देखो सबसे बदतमीज बच्चा, तो चढ़ गया मेरे। इस घर का सबसे बदतमीज। आप बताना बर्फ वाले चैलेंज में कौन जीता। हाँ गाइस में आज ही होगा, जब तक गाइस बताएंगे तब तक जीत चुके होंगे। न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया ना, इसलिए न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। आज के ब्लॉग में गाइस हम रखेंगे बहुत जबरदस्त चैलेंज, देखते हैं कौन जीतता है। 500 रुपए जेब में आएंगे, 500 गुल्लक, 500 जामा, बस हवा लग गई, हवा लग गई। ₹1000 थोड़े ना मिलेंगे, 250 और मेरा मैं डेंगल ही लाया तो रोज लाता नहीं हूँ। सन वाली जो होटलों पे देंगे करेंगे नहीं, तुम्हारा मैं नहीं आएगी रुपये वाले, पाय बनाऊंगी लोकली, मतलब बनवाऊंगी। जैसे आंटी हलीम, बस जैसा हलीम वाले करते हैं। तुझे नहीं बैठना नीचे, तुझे नहीं बैठना। बाजी एक रोटे अलग देना मेरी। सालन डाल दिया है नन्नी जी, डाल दिया, आप खा लीजिए। ओके, अगर किसी ने देख लिया मैं कैसे ब्लॉग बना रही, लेट गई पूरा ब्लॉग बनाने के चक्कर में। चलो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ इशरत भाई ले जाते हैं खेत वेत पे, एक बार मैं तो जाती हूँ, जब भी जाती हूँ खेत तो इशरत भाई ले गए। मेरा दिल से पट गया गांव से, तो खेत की इतने बड़े खेत थे कोमला जी के, बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह गन्ने की थी वहां से। मैं तो बचपन में गई थी अपने गांव, खालू भी ले गए थे बेसोड़ी जब हम गए थे एक बार शादी में, तो वो आम का बाग वाग दिखाने खालू भी ले गए थे मुझे। तो बाजी एक बार हम शादी में गए थे, बाजी जब लायबाग होती जब मैं मासी की सारी आम भी ली थी ना, मैं पहले मैं बाजी के साथ जाती थी ना गाँव इनकी ससुराल रामपुर, तो अनुषा शगुफा जो थी हम सब साथ की थे, वो भी छोटी थी, 5-5 रुपए की इतनी इतनी आंबियां लाते थे, इतनी इतनी भर के। अब तो 5 रुपए की, अब तो 5 रुपए की एक चॉकलेट आती,
अनुषा तो बहुत ही आती है, ₹5 की मंगा देते हैं कल। अनुषा तो बहुत खाती है आंधी, बहुत ही खाती थी वो तो। अनुषा की शादी नहीं हुई, शगु फंसी हुई, शगु फंसी हो गई, हो गई। तुझे क्या दर्द में लग रहा है? अनुषा का कुत्ते बाल कर रही थी, खूबसूरत लग रही थी वो, बहुत ही कुत्ता पाल लगाया उन्होंने उनके अलावा। तू कब चला गया वहां पे? आपको क्या कह रही है? अरे इनायत एक बात ही सुनो, एक लड़की पता क्या कह रही है, एक लड़की ने कमेंट करा अगर इनायत बड़ा होता तो मेरा क्रश होता, इनायत इतना प्यारा लगता है। कौन कह रहा था? हाय हाय अच्छी नहीं है मगर इनायत कमेंट है। कहीं नहीं, सब बहुत अच्छी हरकतें हैं, मैं थोड़ा सा बदतमीज तारीफ कर रही है और मुराद भी कर रही है। तेरी शादी कराओ, मैं तेरी हकीकत भी बताती हूँ और तेरी जो बुराइयां हैं खामियां हैं वो सब बताती हूँ लोगों को। हकीकत भी बताती हूँ बुराइयां। अच्छा देखिए, पूरी रात जागेगा, सहरी का दस्तरखान बिछा नहीं और ये सोया है, वो कुछ खाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं खाएगा। नया तब तुम्हें तो दे दिखा रही हूँ, देख रहे फ्लैट हो रही है इनायत से। चलो पानी दो। आहिस्ता आ गई थी और रापी के मेहंदी लग चुकी है एक हाथ पे, मैं सो रही थी। वाओ कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत प्यारी। आपको कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी। तो भाई सब लग रही है इनके दूसरे हाथ में मेहंदी, रास्ते चली नहीं है, ऐसे सही आ रहा है, बाहर से रोशनी आ रही है। इनके बाद लगेगी मेरे मेहंदी जो ये लगवा रही हैं, तो मैं एक घंटा और सो जाती हूँ ज़रूर, क्योंकि एक घंटा ही लगेगा अभी तुम्हारी मेहंदी में हम करेंगे। फाइनली आप की मेहंदी लग चुकी है और आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत और प्यारी मेहंदी लगाई है शाइस्ता ने। ये देखो बैक से पूरे चांद तारे खिला दिए हैं रमजान के, बहुत प्यारी लगाई है, बहुत प्यारी मेहंदी आप देख सकते हो अभी इंस्टेंट ये मेहंदी कितना जबरदस्त कलर दे रही है। कराची कौन, ये कराची कौन से मेहंदी लगाई है आज शाइस्ता ने कोमल आपी के, और मेहंदी देखो आप कितनी खूबसूरत लगाई है। अब कोमल आपी शाइस्ता को डिज़ाइन दे रही है अपना, वो पैरों पे लगवाएंगी अपने। ये देखो बहुत खुश है कोमल आपी, और मुझे वैसे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है हम दोनों को, और इनके लगी भी इतनी प्यारी है तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं। कैसी लग रहा है मेहंदी? नहीं जो मैंने तुम्हें वीडियो भेजी थी वो उन्होंने यही कौन लगा रहे थे? हाँ ये वाली कौन तो लगाते हैं, लेकिन आप लगवा लोगे ऊपर से? नहीं तो उन्होंने कहाँ से, यहाँ से लगा रखी थी। मैं अपनी शादी पे लगवाऊंगी तुमसे, यहाँ से कुछ नहीं पता, यहाँ तक आ जाओ। अपनी जगह मेहंदी लगेगी, कपड़ों की जगह मेहंदी लगवा लूंगी तुमसे। तो गाइस ये आप ही के पैरों में मेहंदी लग चुकी है, मतलब लग रही है, दोनों एक जैसी लगाई है पैरों में। याली और वाली में फर्क नहीं लग रहा? पर इधर ये थोड़ी बड़ी लग रही है, अभी हो जाएगी ना वो जब ये इक्वल करेंगे। अपने को अपनी बहन का काम बराबर मांगता है। ये देखो अब ये जाएगी अफ्तारी बनाएगी। आधा काम आधा काम चुन्नू से कराऊंगी आज, अपना आधा काम एडवांस में कर भी लिया बाजी ने पहले ही करना था। पापी की मेहंदी लग चुकी है, अब लगवा रही हूँ मैं मेहंदी शाइस्ता से। आपको पता है कि मुझे शाइस्ता की मेहंदी कितनी पसंद आ चुकी है, तो मैं और किसी को बुला ही नहीं रही हूँ, तो अब मैं मेहंदी लगवाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे मेहंदी लग रही है। देख सकते हो मेरे एक हाथ में मेहंदी लग रही है, मतलब अभी आगे आगे लग गई, और किस कदर खूबसूरत मेहंदी लग रही है। गाइस मेरी पायल देखो, इसलिए मुझे बस शाइस्ता से मेहंदी लगवाना पसंद है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी मेहंदी लगाती हैं जैसी मुझे पसंद है।
और बहुत प्यारी मेहंदी लगा रही है अभी तो स्टार्टिंग है, आप देख सकते हैं। इनका नंबर मैं फिर से ऐड कर दूंगी, इन्हें बुलाना हो ईद पे मेहंदी लगवानी है, शादी भी लगवानी है, किसी भी फंक्शन में मेहंदी लगवानी है, या ज़रूरी नहीं है मेहंदी लगवाने के लिए किसी फंक्शन की ज़रूरत हो, किसी फेस्टिवल की ज़रूरत हो, बस मेहंदी तो मेहंदी है, आप कभी भी लगवा सकते हो मेरी तरह, जैसे मैं लगवाती रहती हूँ। रोजे की तैयारी चल रही है, मम्मा आज बना रही है चिकन रोल और लॉन्ग छेड़े, और क्या बना रही है मम्मा? चने, चने उधर बनना, चने इधर बनना है, मम्मा लॉन्ग छेड़े बना रही है। अभी ये आ गई हमारे रोल की पट्टी, हमने से ऑर्डर करी थी, और ये हमारे रोल का सामान कट चुका है यहाँ पर। आज मम्मी नमाज पढ़ लगा है अभी, अलीना की बिचारी की आज तबीयत ख़राब हो रही है बहुत, तो यहाँ पे ऐसे रखती थी मेहंदी लग रही है अभी तक लगी नहीं, अभी तो एक हाथ में आगे आगे लगी, अभी तो एक हाथ में आगे आगे लगी है बस, एक पूरा हाथ रह गया और उसमें भी पीछे। क्या क्या बना रही मम्मी? चिकन के समोसे, चिकन रोल, चिकन रोल, लॉन्ग छीड़े, चने। कैसी लग रही है गाइस, आप लोग कमेंट में बताएं उनकी मेहंदी कैसी लग रही है, तू बता कैसी लग रही, मुंह से बताओ ना भाई कैसी लग रही। बहुत अच्छी लग रही है, अमानत की क्या गोलगप्पे वाले से अगर तू नायब का नाम लेता तो क्या करता फिर? तो आप दे अगर नहीं, वो दुकान पे सामान लेके जाता ना मेरी, अगर तू मेरा नाम लेता तो उधार दे देता पागल थोड़ा, और मजाक करके और क्या, वरना बिलाल मामू का नाम ले देता और बिलाल दे देता फिर तो फ्री में देता वो, पर फ्री में चाहिए नहीं था, इनायत का ले देता तू पानी तो क्या पैसों का भी नहीं होता, तू कहता है कि किसी काम को कहता है ना मेरा नाम लेता, तू कहता अपने साथ कुओं में पिटवाने वाले काम अद्दू तो बहुत ही ज्यादा चला के। तो गाइस इनायत ने आज जेल लगा के सोया था, इसको उसकी स्किन अपनी इतनी अच्छी लग रही है, खुद ही तारीफ कर रहा है, चिकनी चिकनी हो रही है, आज इसकी तबीयत खराब थी, पूरे दिन सोया है, अब उठा है असर के वक्त, वरना मेरा बच्चा सुबह ही उठ जाता है 10 बजे। तो गाइस यहाँ पे बाजी बना रही है अकॉर्डिंग, आज बना रही बाजी चिकन रोल। ये अलग ही है ना, इसमें वो नहीं आ रहा फ्लैश चार्ज तुम्हारे वाले से। क्या नहीं आ रहा फ्लैश चार्ज? क्यों पता नहीं, आसिम तो अपना लगा के देखियो बाजी के फोन में, कहीं तेरे में आ जाए तो क्या कर रहा है आधारी बहन की तबीयत खराब हो रही है भर के रखा था, सबका रोजा है कौन पिएगा, तेरा काम ही थी तबीयत खराब है तो कर ले, अगर ये करना होता है बाजी पीन ली थी पानी, अब तो इसमें भी मजा नहीं आएगा तेरे टाइम वाले जैसा। इना जल्दी से वो लेके आ जा। तो गाइस आज मेरी तबीयत खराब हुई बेचारे, पी रहे काम करना पड़ रहा है, निकाली ली ना छोटी जल्दी, वैसे सारे डॉक्टर की दुकान खुली रहेगी आज, किसी की ना कर जल्दी, ओए रख दो मुझे फोन यहां से, ये मरकई चौक पर किसी की दुकान नहीं खुली हुई थी आज। हां अभी चलेंगे रोजे के बाद ना भी डॉक्टर के, मेरे दस्तखान लग गए, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, और ये हमारे लग गए हैं दस्तखान, अभी आप ही को हेल्प कर रहे हैं इनायत वगैरह सब लोग, ये अलीना या शाइस्ता भी है हमारे साथ। अभी मत डालो सोडा, डाल नहीं ना मैं बंद कर रहा हूँ, इनने सारी खोल दिया था ना गैस निकल जाती है इसकी, सोडा जब डालेंगे जब पीएंगे। तो गाइस आज शाइस्ता भी है हमारे साथ इफ्तार में माशाल्लाह से, चम्मच नहीं लिया ना अभी, आप ही ये रहे ले लिए हो गए ये बस, मम्मा टमाटर के चम्मच लिया, चम्मच नहीं है टमाटर के, तो गाइस रोजा फुल पका रहे
और बीच में रख लेना है। अब हम स्टार कर रहे हैं, स्टार करके आपसे मिलते हैं। फिर क्या है कुत्ता ही कह रहा है क्या ये जानवर ही है पर मैं कहता हूँ शेर ही क्या फिलहाल भाई ने बाजी क्या बात बोली ना यू कह रहा अगर अपने बच्चों को हम शेर कहते थे तो खुश हो जाते हैं अगर कहते तो जानवर तो पागल से हो जाते हैं ये नहीं पता शेर जानवर होता है मैं कहता हूँ शेर ही शेर ही कहता है तो फिलहाल कहते जानवर ही गाइस जो हमारे बिलाल भाई है ना वो पजर की नमाज भी पढ़ते पांच दिन हो गए तेरी खाते पाली पिया गोल कोलगेट करा और भाई पड़ गए लंबा लंबा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ ऐसे ही हमारे बहुत कांटेक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो असर जोर मगरिब कुछ भी नहीं पढ़ते सब गायब करते हैं और जब दस्तरखान बिकता है जब दस्तरखान बिकता है तो ऐसे मुंह बना लेते हैं जैसे बहुत ही मांगने वाले थे बस अभी पीछे बाकी है पीछे लगाएंगे कमेंट करके बताना मेहंदी कैसी लगी बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है शाइस्ता की चलो शाइस्ता प्लीज सुना तो अपनी शादी पे दूसरे गाना गवाएगी कौन सा बताना फालतू है हाँ ये याद कर रहा था झूठी बहना मेरी और बहना मेरी दिन नस नस दिन नस नस यार नहीं राज यार तुम तो ओ राज अपना डायलॉग तो सुना दो अब मेरी कोई और सी बात याद कर लिया कर ओ मैं पी ए सुना बस एक जाओ यार यहाँ पहले अमन को ले रहा हूँ अमन कुछ बात तो होता है चटपटी सी कुछ एमन तू ने कैसे लेके आई थी घर पे गाइस मैं बताती हूँ आपको हमारे यहाँ पे दो मेहमान आए वो जो वो आए थे जो व्लॉग में आए थे तो एमन उन्हें घर से कोमलाजी के यहाँ पर लेकर आई हमारे यहाँ जाफराबाद में एक अमन बेकरी है इधर से जीना चढ़ते हैं उधर से उतर जाते हैं ये पहले वहाँ पे चढ़ी वो वहाँ पे चढ़ने लगे इसके पीछे पीछे तो कह रही नहीं 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 ये वाला थोड़ी है तुम नीचे से आओ एम फिर क्या करा तूने फिर ये छुपक गई कहीं वो बेचारे खड़े रहे बहुत देर फिर उनसे कह रही आगे चलो आगे फिर जब यहाँ पे ले आई थी यहाँ क्या करा तूने नहीं फिर हमारा गाड़ी के पीछे छुपक गई थी वो भाई से बात करी थे पर ये बहुत गलत बात है मैंने ऐसे नहीं लाते किसी को और फिर घर में दुबक के बाहर आके कह रहे हैं ये वाला भी नहीं है सुना दू सुना रहा तू राज कौन सा डायलॉग था तू छोड़ रुक जा आगे पीछे मेहंदी लग गई थी अभी सूख गई है तो मैं लीना से छुटवा रही हूँ यहाँ पे आप ही पी रही हैं चाय अफशा आई हुई है वो बयान सुन रही है मस्जिद बाजी कुरान पढ़ रही थी आप बीच में पहले चाय पी रही है अब हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपना चैलेंज शुरू करें गाइस ये मैं मेरा गिलारी नहीं है मैंने इनसे कर ले गया था गिलारी नहीं है मैं लोंडो पिलानी दिए शेर होकर आ रही है मस्जिद में बयान हो रहा था उसको देख के रो गई इसलिए आप ही ने निकाल लिया अपना रोजाना का सारा मटेरियल यहाँ सब लोग बैठ के खा रहे हैं अक्षा ने अपने कपड़े भी धो लिए आवर भी ले लिया मेरा भाई सुभान इसको फैन इस तरह पसंद है खाना ये मेरे व्लॉग में नहीं बोलते बाजी जरा ये मेरा भाई ना आपके व्लॉग में कैसे बोलेगा बताओ जरा आप फैन मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्यार सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो मैंने इसका चैनल अपने इंस्टा पे भी बहुत बारी लगा दिया है
बाकी मेरी सब्सक्रिप्शन में भी है, जाके सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ मोहमा हो गया था, मैंने आपको बताया था मशीन मेरी हो गई थी, गलती मेरी थी, मैंने खोल दी थी तो यहाँ आई हुई थी, कपड़े कपड़े धुल गए। तो बस गाइस अब हम चाय नाश्ता कर रहे हैं और फिर थोड़ा बहुत सोएंगे, लेटेंगे, बैठेंगे। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप हमारी मेहंदी देख सकते हैं, मेरी भी, कोमल अपे की भी, कितनी प्यारी हो गई है देखो कलर। ओके गाइस बाय बाय।